सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 28। इसकी लेंथ है 135 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 76 सेंटीमीटर। इसमें जो फुट्टा यूज हुआ है वो है 1.10 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं 1.10 सेंटीमीटर इसमें फुट्टा यूज हो रहा है। तो इसकी लेंथ 135 सेंटीमीटर थी, मतलब ज़्यादा थी, तो हमने इसकी जो कागज वाट है वो लेंथ में कर रखी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो हम बनाते हैं इसकी एलिवेशन में यदि आप देख रहे हैं ये भी बुक केस के स्केल है, जैसे कि हमने स्केल नंबर 27 बनाई थी उसी तरह से ये भी किताबें रखने के लिए एक अलमारी बनी हुई है। तो इसमें भी नीचे से ऊपर को यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक फट्टी लगी हुई है नीचे से, तो ये 10, 9, 8 यहाँ से 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर पहले इसको छोड़ देते हैं, 8, और हम इसको मिला लेते हैं। इस तरह से ये जो फट्टी है ये है 2 सेंटीमीटर मोटी, तो हम इसको 1, 2 सेंटीमीटर इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूरी है इसकी 15 सेंटीमीटर, इसमें जो फट्टी बीच में है इसकी जो लेंथ है 105 है, तो यहाँ से 15 जो ये कटा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से हम काटते हैं इसको 15 इस तरह से इसको मिला देंगे, और इसी तरह से यहाँ से भी इसमें 15 सेंटीमीटर का कट एक लगा हुआ है, खाली स्पेस है इस तरह से। तो ये जो हमारी लाइन है इसको हम यहां से मिटा देंगे इस तरह से। इसके बाद यहां से इसमें अलमारी ये हिस्सा थोड़ा छोटा है, ये पूरा है, तो यहां से ये 91 सेंटीमीटर में इसमें कट लगा हुआ है, यहाँ से हमने 91 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपका 90 है, ये 92 है, तो ये बीच में हम यहाँ ले लेंगे इसका 91 इस तरह से, और यहाँ पे भी 91 का एक कट लगा देंगे, यहाँ से 90 91 सेंटीमीटर है, इसको हम मिला लेते हैं पहले इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर इसके बाद है, तो यहाँ से हम ऊपर 2 सेंटीमीटर इस तरह से, यहां देख सकते हैं। अब इसमें यहां से 2 सेंटीमीटर की पट्टी है से, और यहां पे भी इसमें 2 सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई है इस तरह से। इसके बाद इसमें बीच में भी एक फट्टी लगी हुई है, उसकी दूरी 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 42 सेंटीमीटर काट देंगे, ये हमारा है 42 सेंटीमीटर यहाँ पे है इस तरह से, ये 42, और इसके बाद है 2 सेंटीमीटर
तरह से कर देंगे। इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें खाने बने हुए हैं या ऊपर से है, इसमें 15 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये खाना यहाँ बना हुआ है। यहाँ से ये आपका 15 सेंटीमीटर है और 15 के बाद है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर है और उसके बाद है 2 सेंटीमीटर। तो ये हम इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से उसके बाद इसमें एक फट्टी, ये सिर्फ यहीं तक है और एक लंबी फट्टी और लगी हुई है, वो भी 15 सेंटीमीटर के बाद है। इसके बाद हमने फिर लेना है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने ऊपर से हम ले सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें लेना पड़ेगा यहाँ से 15 और 2, ये 15 आ गया, 30 और 2 32, या हम या नीचे से ऊपर को ले सकते हैं यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर, इसमें नाप दिया हुआ है, तो जैसे भी आप चाहो, या नीचे से ऊपर आप 30 ले लो फिर 2 ऊपर को ले लो, या ऊपर से नीचे को 32, 32 के बाद 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इस खाने में हम ले लेते हैं यहाँ पे 30, 31, 32 और 2, 34, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये हमारी यहाँ और यहाँ पे आएगी, उसके बाद इस तरह से ये हमारी लाइन आ जाएगी। ये कार्य हमारे यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब ये हम कार्य करते हैं, तो ये जो हमारी इसकी हाइट है ये है 53 सेंटीमीटर, नीचे से यहाँ से है 53 सेंटीमीटर, मतलब पूरी यहाँ से, ये दो भी इसमें इंक्लूड है, और या फिर हम जो है ना ऊपर से काट सकते हैं इसमें 15 सेंटीमीटर और 15, इसी दो में भी इंक्लूड है। हम ऊपर से इसमें 15 काट लेते हैं पहले, यहाँ से इस लाइन से, ये हमारा 15 सेंटीमीटर यहाँ से कट गया है। उसके बाद हमारा है यहाँ से 15, इधर भी काट लेते पहले 15, और 15 के बाद हमने काटना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद ये हमारी जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन हमारी अब मिट जाएगी। इस तरह से अब हमने इसमें यहाँ पे एक खड़ी लाइन लगानी है 2 सेंटीमीटर की, पट्टी जो लगेगी इसमें, इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक फट्टी लगी हुई है यहाँ पे, जो है वो ऊपर से नीचे को है 32 सेंटीमीटर, यहाँ से 32 सेंटीमीटर है ऊपर से नीचे को, तो वो हम ये काट लेते हैं यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 30, 31, 32 और 32 के बाद है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 30, 31, 32 के बाद है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हमारी जो एलिवेशन है ये भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमने बनानी है इसमें साइड। साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने ये 8 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे भी हमने 8 सेंटीमीटर ये काटना है, इस तरह से
हम इसको मिला लेते हैं नीचे से। ये हम देख सकते हैं हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसमें 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, तो वो भी हमें लगानी है यहाँ से। ये जो हमारी फट्टी आनी है ये आएगी डॉटेड 2 सेंटीमीटर की। इस तरह से ऊपर से नीचे को यहाँ पे हमारी है 2 सेंटीमीटर की। ये हमारा आना है डार्क 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पीछे से 2 सेंटीमीटर है, ये वाला जो हमारा है ये 2 सेंटीमीटर से ये पीछे से हमारा है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो डार्क लाइन है हमारी आनी है वो ऊपर से ही है, या अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो फिर आप लीजिए 13 सेंटीमीटर। अगर इससे नीचे लेना चाहते हैं 13, पीछे से लेना चाहते हैं तो 15 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा, तब आपका सही आएगा। यहाँ से पीछे ऊपर से ले रहा हूँ 15 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी एक सिंगल लाइन है ये डार्क आनी है हमारी यहाँ पे। इसके बाद ये 15 सेंटीमीटर ये जो हमारी लाइन है ये भी हमारी डार्क आनी है यहाँ पे, ये डॉटेड नहीं है। इसके बाद जो 2 सेंटीमीटर आएगा ये भी हमारा डार्क यहाँ पे आना है। मैं इसी के सीध में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लगा लेता हूँ। ये जो हमारी फट्टी है सिंगल फट्टी है, यही हमारी डार्क आनी है। एक ये आगी एक ये आगी, बाकी अब सारा कार्य हमारा इसमें डॉटेड होना है। इसके बाद तो इसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे लेनी है 2 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर को, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है वो ऊपर तक जाएगी 2 सेंटीमीटर की। इस तरह से इससे ऊपर ये हमारी रहेगी इस तरह से। इसके बाद इसमें जो हमने ये फट्टी लगाई हुई है, ये वाली फट्टी है 15 सेंटीमीटर की, ये हमारी इस निचली लाइन के साथ आएगी, क्योंकि इसमें ये 2 सेंटीमीटर के बाद 15 सेंटीमीटर था, जो ये 15 सेंटीमीटर था ये ऊपर से 15 सेंटीमीटर, इसलिए ये जो फट्टी हमारी है इसकी ऊपर वाली फट्टी इस फट्टी के निचले फट्टी के साथ आएगी, और इसकी निचले वाली फट्टी है ये आप देख सकते हैं, ये जो फट्टी है ये हमारी यहाँ पे डॉटेड शो हो जाएगी इस तरह से। साइड में उसके बाद ये जो हमने लगा रखा है 15 सेंटीमीटर है, ये इसके बाद 15 सेंटीमीटर है, ये भी हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरह से उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर की पट्टी है 15 के बाद। आप चाहो तो यहाँ पे नाप भी ले सकते हैं, और नहीं तो इसी के सीध में जो है इसके लाइन आप लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारा है ये हमारी पट्टी है यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ से ऊपर से जो है ये है 32 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर, उससे नीचे ये 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं यहाँ से इसी के प्रोजेक्शन में। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस तरह से हमारी जो साइड है वो भी बन के तैयार हो गई। इतना ही कार्य हमारा साइड में आना है। अब हमने लेने हैं इसके प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सिर्फ हमारा एक इसमें आना है, और वो ये जो लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर की है
यही हमारे प्रोजेक्शन में आनी है यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेंगे प्लान के लिए। से आप चाहो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नाप भी सकते हैं, नहीं तो आप इसमें जो है ना वो सीधी इसकी लाइन लगा दीजिए। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये जो कार्य आएगा ये हमारा आएगा डॉटेड 2 सेंटीमीटर की लाइन पीछे से। अब इसमें जो जितनी भी डॉटेड आना है, जितनी भी लाइनें आनी है वो सारी खड़ी लाइनें हैं, इस तरह यहां से ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा ये छूट गया था यहां से, ये दूरी हमारी थी 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर के बाद जो रेखा है ये हमारी यहाँ पे डॉटेड आ जाएगी प्लान में इस तरह से। उसके बाद ये हमारा है यहाँ से, ये यहाँ से हमारा है 91 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये भी हमारा यहाँ पे लाइन आएगी। और ये लाइन हमारी एक ऐसी लाइन है जो हमारी डार्क आनी है पूरी नीचे तक, इस तरह से इसके साथ जो फट्टी बनी हुई है वो हमारी आएगी डॉटेड इस तरह से। उसके बाद ये हमारे जो प्रोजेक्शन इसके आएंगे, ये हमारी दूरी है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है पीछे से, यहाँ तक ये 42 था, उसके बाद हमारा 2 सेंटीमीटर मोटी ये फट्टी लगी हुई थी। और फिर ये हमारा जो है यहाँ से हम ले लेते हैं इसको पहले, ये हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से इस तरह से। उसके बाद हमारा है ये 15 सेंटीमीटर जो मैंने छोड़ रखा था, ये हमारा जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर लाइन हमारी आ जाएगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है वो प्लान भी बन के तैयार हो गया, और अब हमारी पूरी स्केल जो है ये बन के तैयार हो गई है। इसमें बचता हमारा फुट्टा है, तो ये आपने बना देना है। ये अभी तक जो हमने कार्य किया था ये हमारा कार्य हुआ 24 नंबर का। अब आपने यहाँ पे ये 1.10 स्केल नंबर जो है वो बनाना है, तभी आपको इसमें से 26 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। यदि आप फुट्टा नहीं बनाते तो ये जो कार्य है ये 24 नंबर का अभी तक हुआ है। इस तरह से आपने स्केल को आसानी से बनाना।